हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आपके लिए लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो भी आपको क्विक याद दिला देते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि सेल जो होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो हमने बताया था आपको कि सेल के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि सेल का सेल वॉल कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके साइटोप्लाज्म कैसा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो हमने कल आपको बताए थे, दैट इज गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था। तो जरूर से आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, कंसेप्चुअल वीडियो था, जाके जरूर से देख लेना। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है आपको बता दें, तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वैसे सेल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वो हमने देख लिया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को हमारे टॉपिक का अगले पार्ट की तरफ जाना है, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूंगा, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसको हम अपनी नेकेड आई से, यानी कि अपने खुली आंख से नहीं देख सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मुझे दिख रहा है, ये आप लोग को भी दिख रहा होगा, करेक्ट है, ये जो मैंने लिखा हुआ ये आप लोग को दिख रहा है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने यहां पे छोटा सा डॉट मारा, ठीक है, एक छोटा सा डॉट मारा, ये छोटा सा डॉट मैंने मारा तो है, ये शायद मुझे दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि वो चीज आपको अगर नजर नहीं आ रहा है अपनी खुली आंखों से, तो वो चीज क्या हो गया, एक छोटा माइक्रो चीज हो गया। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, माइक्रो मिनी, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती है, और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, कुछ भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इतना ज्यादा छोटा होता है, जो अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, और उसको देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसको माइक्रोब्स के नाम से भी आजकल जाना जाता है, क्लियर है। तो ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात, दैट इज वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज, बट वी कैन ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड जो कि आपको पता है दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड वाला जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ही होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली जो आपके एटम्स वगैरह होते हैं ना, उसको देखने के लिए होता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज चलो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चर्चा करेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका अकरेंस कहां से आया, अकरेंस यानी कि क्या होता है, कहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, कहां पे ये रहते हैं। तो अकरेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ओमनी प्रेजेंट, क्या होते हैं ये लोग, ओमनी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पूरे संसार में प्रेजेंट है, एवरीवेयर आप देखोगे, चाहे आप बात कर लो हवा की, एयर, चाहे बात कर ले पानी की, वॉटर, चाहे आप बात करो जमीन, लैंड की। तो एयर, वॉटर, लैंड, ये तीन चीजें हमारे अर्थ के ऊपर पूरे संसार में आप देखा जाए तो तीन ही चीज होती है ना दुनिया में, हवा होता है, पानी होता है, जमीन होता है। तो ये तीनों के तीनों चीज में आप जब नोटिस करोगे एंड जब रिसर्च करोगे, तो आपको पता लगेगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ओमनी, यानी हर जगह, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर, वॉटर, लैंड ले लो, हर जगह आपको देखने मिलेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरीके से अकरेंस बोल सकते हैं। और चाहे हम लोग बात करें हवा, पानी और इसमें तो रहते हैं, लेकिन किसी किसी के बॉडी में भी रहते हैं, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन कौन से कैटेगरीज में आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, एक छोटा बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक वायरस भी हो सकता है, ठीक है ना, एक प्रोटिस्टा भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो इतने सारी चीजों के हिसाब से अगर हम बात करें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अगर मैं रहने के हिसाब से, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा अकरेंस है, कहां पे रहते हैं, तो रहने के हिसाब से बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर बात करें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिडेंट्री होते हैं। सिडेंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो अकेले रहना, एक जगह पे रहना पसंद करते हैं।
ठीक है, सिंगल रहेंगे, अकेले रहेंगे, जैसे कि कुछ फंगस जो होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, यानी झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे ऐसे वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, ये सब बहुत सारे जो होते हैं वो कॉलोनीज में भी रहते हैं। फंगस भी कुछ कैटेगरी होता है, एल्गी आता है कैटेगरी में, तो ये सब जो है अकेले नहीं रहते। एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो सड़ी हुई चीज, यानी कि डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर किसी की डेथ हो जाती है कोई जानवर की, प्लांट की, तो उसके ऊपर वो बैठ के कंज्यूम करते हैं उसको। तो ये कुछ अकरेंस की बात है। अब इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे इसका। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम लोग इसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप कोई भी, जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप कोई भी चीज ले लो और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप रख दो और उसको देखो, वहां पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, ठीक है। एंड नॉर्मली हमारे आंखों का एक टेंडेंसी होता है लगभग 100 माइक्रोमीटर, यानी कि अगर मैं आपको एक मेजरमेंट बताऊं कि 100 माइक्रोमीटर का अगर इससे छोटा कोई लेंथ होता है, 100 माइक्रोमीटर से अगर कुछ छोटा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो हमारी आंखें इससे छोटे ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकती। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो लगभग इतने ही साइज के होते हैं, लगभग 100 माइक्रोमीटर के आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए आपको क्या लगेगा, उसको लगभग 1000 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यानी कि जूम करने की जरूरत है। तो 1000 गुना ज्यादा जूम करने की जरूरत है, तो वो कौन करेगा? आपका माइक्रोस्कोप उसको जूम करके देगा। तो आपको बस वही करना है, जहां पे भी आपको लगता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उसका एक टुकड़ा लेके आपको माइक्रोस्कोप में डाल देना और आपको नजर आ जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, क्या उसका शेप होता है। तो साइज की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पे, मैं साइज बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है पैरामीशियम, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पैरामीशियम का साइज यहां पे दिया हुआ है लाइक 100 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 100 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है पैरामीशियम का। वही हम लोग बात करें जो पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस आपको पता है जो बचपन में जो उसके वजह से हम लोग को पोलियो हो जाता है और जिसके वजह से हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं ना पोलियो का, ठीक है ना, हमेशा बचपन में हम लोग को पोलियो का डोज दे दिया जाता है, वैक्सीनेशन दे दिया जाता है ताकि जिंदगी भर हम लोग को कभी पोलियो ना हो, ठीक है। तो वो पोलियो वायरस का होता है दोस्तों। तो पोलियो वायरस का जो साइज दिया है वो 28 नैनोमीटर का, जो सोच सकते हो नैनोमीटर में आ गया, नैनो मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर से भी 1000 गुना ज्यादा छोटा, तो सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा यहाँ पे उसका कम छोटा होगा, कम साइज होगा कि हम लोग उसको बिल्कुल ही देख नहीं सकते। तो पोलियो वायरस हो गया, वैसे कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, ठीक है ना, टाइफाइड के बीमारी जो होता है ना आपका टाइफाइड वाला, तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, ये सब की अगर बात करें तो इसके साइजेस जो होते हैं वो भी लगभग 1 से लेके 3 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, यानी कि और छोटे होते हैं। मतलब देखा जाए तो पैरामीशियम से छोटा आपका बैक्टीरिया होता है टाइफाइड वाला, एंड उससे भी छोटा होते हैं वायरस। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में, तो पैरामीशियम देख लिया जो कि 100 माइक्रोमीटर था, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है वो, मतलब हम लोग देख तो नहीं सकते लेकिन फिर भी बड़ा तो है कंपैरेटिवली। पोलियो वायरस इतना छोटा है कि वो नैनोमीटर में कि हम लोग तो उसको बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये कुछ था दोस्तों इसका अकरेंस, यानी कि किस फॉर्म में वो हो सकता है, यानी कि कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, कैसे प्रेजेंट हो सकता है, उसका साइजेस वगैरह क्या है, ये सभी चीज हम लोग को यहां पे देखने के लिए मिल गया, क्लियर है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे कुछ बात कर लेते हैं कि किस प्रकार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो अब नेचर मतलब जैसे कि आपको पता है कि हर जगह अलग अलग जगह पे ये प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो ये जो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, इसका नेचर भी उसके हिसाब से क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करेंगे यहां पे कुछ नेचर ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरियाज हो गए, मैं अभी बात कर रहा हूं नेचर का, ठीक है। तो अकरेंस मिटा के मैंने यहां पे नेचर लिख देता हूं, ठीक है, नेचर, नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका नेचर, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाता है इसके कैटेगरी में। तो चाहे हम बात करें जो नेचर है इसका, मतलब बैक्टीरिया का, या फिर हम बात करें फंगस का, ठीक है, तो ये जो होते हैं ना ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसा मैंने आपको बोला कि हर जगह प्रेजेंट है ये, करेक्ट है। अब हर जगह प्रेजेंट होने से इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे ना आपके फूडस्टफ्स जो होते हैं, आपके जो खाने वाली चीजें होती है ना, उसके ऊपर भी प्रेजेंट हो जाता है। एक तरीके से मैं फंगस का एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि आपके घर में ब्रेड वगैरह होता है, रोटियां वगैरह होती है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि वो रोटियां वगैरह के ऊपर भी क्या आ जाता है, एक तरीके से फंगस आ जाता है, ब्लैक कलर का धागे जैसा चीज देखेगा आपको, या फिर व्हाइटिश कलर का भी देखने मिलता है जब ब्रेड आपका 1 से 2 दिन पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर अपना एक लेयर आ जाता है, तो वो जो चीज होता है वो फंगस होता है। तो क्या है वो? एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फंगस का जो थोड़ा साइज होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वायरस और बैक्टीरिया। इसके लिए हम लोग को वो चीज दिखाई देता है और वो एक ही साथ कॉलोनी में रहते हैं, झुंड में रहते हैं हमेशा, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं उसको यहाँ पे एक तरीके से उसका नेचर। तो नेचर उसका क्या है कि जब भी वो आता है ना,
अभी नेचर हम लोग बात कर रहे हैं, तो नेचर में मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जब भी वो आता है तो वो क्या पैदा करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक है ना, वो बीमारियां कॉज करता है। और नेचर के हिसाब से बात करें, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तो कुछ नेचर की बात हो गई कि उनका नेचर के हिसाब से वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल भी हो सकते हैं। एक और इसका नेचर होता है कि वो या तो हो सकते हैं यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने बहुत बार बताया आपको, फिर भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। या तो वो हो सकते हैं यूकैरियोट्स या तो हो सकते हैं वो प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स होंगे यानी कि उनके अंदर जो सेल है उनका सिंगल सेल से बने, भले ही मल्टी सेलुलर बने कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, वेल डेवलप है। यूकैरियोट्स में वेल डेवलप होता है, प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप नहीं होता है। तो ये भी एक तरीके से उनका नेचर है कि जिनमें वेल डेवलप होगा वो किसी और तरीके से एक्ट करेगा, जिनमें वेल डेवलप नहीं होगा वो किसी और तरीके से एक्ट करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती है, किसी में साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से डेवलप होता है, किसी में साइटोप्लाज्म बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, एंड किसी के अंदर सेल वॉल होता है, किसी के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। तो ऐसे भी टाइप के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिलता है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसका ग्रोथ कैसे होता है, ये लास्ट टॉपिक हम लोग को आज के डेट में पढ़ना है कि ग्रोथ कैसे होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़ा इतना सारा, ये सब चीज बेसिक है दोस्तों, ये इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के तौर पर बेसिक चीजें तौर के लेने हैं आपको, जो कि मैं बहुत यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ग्रोथ के लिए ना उनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको ना कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठंडी माहौल चाहिए होता है, तब जाके वो ग्रो कर पाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ना वार्मथ एनवायरनमेंट चाहिए, गर्म एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, तब जाके वो ग्रो कर पाएंगे। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर यानी कि इनसाइड द बॉडी वो रहेंगे तो ही ग्रो कर पाएंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ आउटसाइड ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, उनका ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, इतना ज्यादा फास्ट उनका रीजनरेशन प्रॉपर्टी होता है कि इतना ज्यादा फास्ट करेंगे कि विद इन अ मिनट वो अपने आप को 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो काफी स्लो भी होते हैं, यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन काफी स्लो रेट पे होता है, ठीक है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मैं जो बात कर रहा था दोस्तों, इनका जो कंडीशन होता है या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड बोल लो या फिर एक्सट्रीमली वार्म बोल लो, इनका जो कंडीशन है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरह वो एक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोविड 19 का भी सेम ऐसे ही था कि वो हम लोग को ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि जो ठंड जब आएगी तो वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, गर्म जाएगी तो मतलब लाइक वार्म्थ जब आएगा, समर सीजन आएगा तो वहां पे कम एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज अ मिथ एक्चुअली, ये कुछ ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे फेवरेबल कंडीशंस में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं तो उनमें उनकी डेथ भी हो जाती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बहुत सारे आपको चीजें ऐसे देखने मिलेंगी, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों हमारे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्जैक्टली होता क्या है, कि उसका नेचर कैसा होता है, साइज कैसा हो सकता है, ये देखा, फिर साथ ही में उसका नेचर हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया आज के दिन में। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है हमारा, मेन तो हम लोग को ये पहले से ही पता था, बहुत सारी चीज हमने आज पढ़ी, लेकिन ये सब चीज आपको पहले से ही पता था। और ये सब चीज बहुत सारी चीज नई चीजें भी आपको पता चली होगी, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कि मैं आपको अगला लेक्चर जब लेकर आऊंगा, लेक्चर नंबर 4 जब लेकर आऊंगा, तो वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके लिए यूजफुल, जो आपके लिए फायदेमंद है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, डिसीज पहुंचा सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं यूजफुल, कौन से होते हैं हार्मफुल, ये हम लोग को स्टडी करना है, लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।